अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर है 4, टॉपिक है हमारा सेल साइज एंड शेप एज दे रिलेट टू सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक मोस्टली बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट। देयर आर सम फिजियोलॉजिकल लिमिट्स टू हाउ बिग अ सेल कैन ग्रो। The scale or size of a cell compared to other objects is incredibly small. Cell जो है एक ऐसा जिस्म है जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, यानी कि एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है सेल, ठीक है। इस मजबूरी की वजह से कि ये एक माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, इसके काम करने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा महदूद होती है, मतलब एक हद होती है, इससे ज़्यादा जो है वो सेल ग्रो नहीं कर सकता। और स्केल और साइज़ जो है सेल का, अगर हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है सेल, ठीक है। द स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्मास with diameter between 0.μm to 1.0 μm। अब जो सबसे छोटा सेल है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल जो है बैक्टीरिया, जिसे कहते हैं माइकोप्लाज्म, उसका जो डायामीटर है, क्योंकि कोई भी राउंड चीज़ होती है उसका डायामीटर किया जाता है, तो डायामीटर जो है उसका 0.1 μm टू 1.0 μm है, ठीक है। द बल्किएस्ट सेल आर बर्ड एग्स एंड द लॉन्गेस्ट सेल आर सम मसल सेल्स एंड नर्व सेल्स। सबसे बल्किएस्ट मतलब सबसे जो मोटा सेल होता है वो एक परिंदे के अंडे का, और लंबा सेल जो होता है वो जो मसल्स सेल होते हैं या फिर जो नर्व सेल्स, यानी कि नर्वस सिस्टम और जो मसल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो जो है वो लंबा सेल होता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट, मोस्ट सेल्स लाइज बिटवीन दीज एक्सट्रीम्स। अब ज़्यादातर जो सेल्स हैं उनकी जो जिसामत है इन्हीं खलियों की जिसामत के दरमियान ही होती है, यानी कि छोटा होता है बल्किएस्ट और लॉन्गेस्ट, ठीक है। सेल साइज एंड शेप आर रिलेटेड टू सेल फंक्शन। अब सेल का जो साइज़ है और उसकी जो साख्त है उसका ताल्लुक जो है वो सेल के फंक्शन से होता है। बर्ड्स एग्स आर बल्की बिकॉज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग यंग। और बर्ड्स के जो एग हैं उसका जो खलिया है वो इसलिए बल्किएस्ट होता है क्योंकि उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स की एक बड़ी अमाउंट मौजूद होती है, जो कि किसी भी परिंदे का जो बच्चा होता है उसकी नशोनुमा में इस्तेमाल होती है, ठीक है। लॉन्ग मसल सेल्स आर एफिशिएंट इन पुलिंग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टुगेदर। अब लॉन्ग मसल पार्ट्स जो हैं, यानी कि मसल मतलब जो गोश्त होता है किसी भी जानदार की बॉडी के ऊपर, ठीक है। सेल्स उसके इसलिए लंबे होते हैं ताकि वो बेहतरीन तरीके से जो जितने भी जिस्मानी आज़ा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको खींचने का जो काम है वो अंजाम देता है, ठीक है। इसके बाद लेंदी नर्व सेल्स कैन ट्रांसमिट मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब नर्व सेल्स जो हैं वो लेंथी होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, तो वो मैसेजेस जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, पैगाम रसाई का काम अंजाम देते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्मॉल सेल्स साइज ऑल्सो हैज़ मैनी बेनिफिट्स। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो स्मॉल सेल्स के जो साइज़ है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर ओनली 8 μm इन डायामीटर एंड देयरफॉर कैन मूव थ्रू आवर टाइनीस्ट ब्लड वेसल्स दैट इज़ कैपिलरीज। अब अगर हम ह्यूमन के रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो उसका जो डायामीटर है, यानी कि उसका अगर हम साइज़ देखें तो वो 8 μm होता है। अब इसका बेनिफिट क्या है कि ये इसलिए इतना छोटा होने की वजह से जो हमारी बारीक ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि जो खून की रगें होती हैं, उनसे आसानी से गुजर सकता है, तो और ये खून की रगें कहलाती हैं कैपिलरीज। मोस्ट सेल्स आर स्मॉल इन साइज़ in relation of their volumes, large cells have less surface area as compared to small cells. अब cells जो है वो आम तौर पर छोटी जिसामत के होते हैं, यानी कि उनका जो साइज़ है वो छोटा होता है, और अपने जो साइज़ के लिहाज से जो बड़े सेल होते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी कम होता है उनके बनस्बत जिनकी जिसामत छोटी होती है। अब फिगर 4.28 shows this relationship using cube shaped cell। अब नीचे जो फिगर है उसमें जो है क्यूब शेप की सेल्स से इनका जो रिलेशन है वो बताया है। द फिगर शो 1 लार्ज सेल एंड 27 स्मॉल सेल्स। इन बोथ केसेस द टोटल वॉल्यूम इज सेम। वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब देखिए 30 μm मल्टीप्लाई 30 μm मल्टीप्लाई 30 μm, तो ये कितने होगा 27,000 μm, ठीक है। In contrast to the total volume, the total surface areas are very different because a cubical shape has 6 sides. Its surface area is 6 times the area of one side. अब इसका जो total volume है उसके बरक्स अगर इसका जो टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो वो डिफरेंट होता है क्योंकि एक क्यूबिकल शेप जो होता है उसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है, और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो एक तरफ का 6 गुना होता है। तो यहाँ पर हम जैसे देखें, द सरफेस एरियाज ऑफ क्यूब्स आर एज फॉलो, सरफेस एरियाज ऑफ वन लार्ज क्यूब, ठीक है, एक लार्ज क्यूब जो है और बाकी स्मॉल क्यूब, ठीक है, वन लार्ज क्यूब इज इक्वल टू 6x, ठीक है, जो कि 30 μm मल्टीप्लाई बाय 30 μm क्योंकि 6 गुना ज़्यादा होता है तो ये होगा 54,000 μm। इसके बाद अगर हम देखें सरफेस एरिया ऑफ वन स्मॉल क्यूब तो ये 6 गुना बट 10 μm मल्टीप्लाई बाय 10 μm इनका जो साइज़ है और 600 μm हो गए। फिर इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ 27 स्मॉल क्यूब्स देखें तो इसका जो है वो जैसा कि हमने यहाँ पर एक क्यूब का देखा था तो यहाँ पर 27 क्यूब हैं तो एक क्यूब का अगर 600 μm है तो 27 को हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16,200 μm², ठीक है। तो ये जो है फिगर सरफेस एरिया ऑफ वन लार्ज क्यूब यानी कि एक लार्ज क्यूब जो कि सेल को शो कर रहा है, एक सेल को, उसका जो साइज़ है वो है 5400 μm। और इसके बरक्स अगर टोटल सरफेस एरिया और 27 स्मॉल क्यूब देखें तो वो है 16,200 μm, ठीक है। सो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो 2 स्मॉल इज इक्वल टू डिक्रीज रेट ऑफ केमिकल एक्सचेंज सेल डाइज। अब सरफेस एरिया से जो वॉल्यूम रेशो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो केमिकल एक्सचेंज है उसमें डिक्रीज़ आता है, ठीक है, उसमें कमी आती है और फिर सेल की जो है वो मौत वाक़या हो जाती है। फिर है हमारे पास सेल साइज़ एंड वॉल्यूम रेशो। वेस्ट प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेल वॉल्यूम। सेल टेक्स अप न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सक्रीट्स वेस्ट थ्रू इट्स सरफेस सेल मेम्ब्रेन। अब जो भी फाजिल मादे होते हैं उनकी प्रोडक्शन और उनकी डिमांड, ठीक है, उसका जो सेल के जो वॉल्यूम से बिलवास्ता ताल्लुक होता है, ठीक है। सेल जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको जज्ब और उनको बाहर सेल मेम्ब्रेन के सरफेस से निकालता है और वहीं से जज्ब करता है। अ लार्ज सेल वॉल्यूम स्मॉल डिमांड्स लार्ज सरफेस एरिया बट एज द फिगर शोज अ लार्ज सेल हैज़ अ मच स्मॉलर सरफेस एरिया रिलेटिव टू इट्स वॉल्यूम देन स्मॉलर सेल्स हैव। तो जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है कि जो एक बड़े सेल का जो एक सरफेस एरिया है वो कम होता है और एक छोटे सेल का ज़्यादा, ठीक है। ईच इंटरनल रीजन ऑफ द सेल हैज़ टू बी सर्व बाय पार्ट ऑफ द सेल सरफेस। अब सेल का हर अंदरूनी हिस्सा जो है वो उनके हिस्से की जो सरफेस है उसकी की सेल सरफेस का काम करता है। एज अ सेल ग्रोज बिगर, अब जैसे जैसे सेल जो है वो बढ़ता है, ग्रो होता है, इट्स इंटरनल वॉल्यूम इन लार्जेस एंड द सेल मेम्ब्रेन एक्सपेंड्स। तो इसके जो अंदर जो भी इंटरनल वॉल्यूम है वो भी बड़ा होता है और साथ ही जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी एक्सपेंड होती है, फैलती है। अनफॉर्चुनेटली द वॉल्यूम इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन डज द सरफेस एरिया। अब बदकिस्मती से जो वॉल्यूम है यानी कि उसका जो हजम होता है, जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, जबकि सरफेस एरिया जो है वो इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होता। या सरफेस मतलब होता है सतह, एक प्लेस होता है जिस पे चीज़ रखी जाती है उसे सरफेस कहा जाता है, ठीक है। एंड सो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल टू पास मटीरियल्स to a unit volume of the cell steadily decreases। अब जैसे कि बदकिस्मती से जो वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा जल्दी से बढ़ता है बजाय सरफेस एरिया के, तो इसी तनासब से अगर जो सरफेस एरिया है वो मुख्तलिफ मादों की, मुख्तलिफ मटीरियल की जो पासिंग का काम करता है यानी कि उनकी तरसील के लिए दरकार होता है, वो यूनिट वॉल्यूम कम हो जाता है। Hence we conclude that the membranes of small cells can serve their volume more easily than the membrane of a large cell। इस तरह से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जो स्मॉल सेल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है यानी कि उनकी जो झिल्ली है उसका जो वॉल्यूम है वो आसानी से कम करता है बनिस्बत के जो बड़े सेल हैं उनकी membrane ke. In life sciences, it is important to note that whenever a structure has an increased surface area, there is an increase in the functioning of that structure. हयातियाती साइंस में ये बात जो है वो काबिले गौर है. अब किसी भी स्ट्रक्चर के सरफेस एरिया में जब इजाफा होता है तो साथ ही उसका जो फंक्शनिंग स्ट्रक्चर है उसमें भी इजाफा होता है. ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर. उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा. वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आपने इसे करना है लाइक शेयर. चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.